नमस्कार, स्वागत है आपका टाइम्स नाम नवभारत। आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ अनुराग सिंह। 9 बजे के इस बुलेटिन में जो हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे और खबर बताएंगे, इसमें आपको सिर्फ पैसा ही पैसा दिखाई और सुनाई देगा। दरअसल कांग्रेस सांसद धीरज साहू के करीबियों के ठिकानों पर इनकम टैक्स की टीम की छापेमारी लगातार जारी। हर बीते दिन के साथ कैशों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही। अब तक 300 करोड़ रुपए के कैश की गिनती हो चुकी है और इसका आंकड़ा कहां जाकर खत्म होगा, खुद इसकी जानकारी इनकम टैक्स की टीम को नहीं, जिसके लिए जगह जगह छापेमारी चल रही है। आपको ये बता दें कि कांग्रेस की कैश कॉटरी की एक एक लेटेस्ट अपडेट हम आपके लिए लेकर आए। शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन की इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, और खबर यह है कि कांग्रेस सांसद धीरज साहू से जुड़ी फर्मों पर चौथे दिन लगातार छापेमारी जारी है। इनकम टैक्स की ओर से लगातार धीरज साहू के ठिकानों पर रेड की जा रही है। धीरज साहू के खिलाफ प्रेडिक्ट ऑफेंस के जांच में टीम जुटी हुई है। जो सूत्र बता रहे हैं, ओडिशा ईडी जोनल ऑफिस को जांच की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। यह सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी। तो सबसे बड़ा अपडेट यह कि चौथा दिन और चौथे दिन तक किया क्या जाएगा, आज भी ताबड़तोड़ एक के बाद एक सिर्फ कैश की गिनती की जाएगी, पैसों की, रुपयों की गिनती की जाएगी। ये रुपए लोग कमाने के सपने देखते हैं, लेकिन यहां ये भंडार करके रखे गए। कांग्रेस के सांसद धीरज साहू, जिनके पास से एक के बाद एक इतने पैसे जो है वो बरामद किए गए। आप ये तस्वीरें देखिए, जहां तक आप सिर्फ देखते जाएंगे, जहां जहां तक कैमरा पैन होता जाएगा, सिर्फ आपको नोटों के बंडल दिखाई नहीं। बताया जा रहा है कि कुल 20 ऐसे अलमीरा हैं जिसे खोलना है, और अब तक सिर्फ 5 अलमीरा खुले हैं, और 5 अलमीरा खुले तो कितना कैश बरामद हुआ, 300 करोड़ रुपए। अभी भी नोटों की गिनती जारी है और नोट इतने हैं कि वो नोट गिनने वाली मशीन जवाब दे चुकी है कि इतना नहीं गिन पाऊंगी, लेकिन अभी भी गिनती चल रही है। और ये गिनती कहां जाकर थमेगी, अभी तो दूसरे लॉकर से अलमारी जब खुलेंगे तो पता नहीं कितना कैश निकलकर सामने आएगा, कितना आकलन है। आकलन करने में भी अभी इनकम टैक्स विभाग की टीम कोताही बरत रही है, क्योंकि वो खुद इस बात का अंदाजा नहीं लगा सकती कि कितना कैश यहां पर मिलेगा। इधर कांग्रेस सांसद धीरज साहू के खिलाफ जो प्रेडिकेट ऑफेंस की जांच की बात की जा रही है, आखिर वो है क्या, भी आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। प्रेडिकेट ऑफेंस क्या होता है ये जरा समझिए। और प्रेडिकेट ऑफेंस क्या है मैं आपको ये बताऊंगा, लेकिन धीरज साहू कैश कांड पर एक और बड़ी खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं। धीरज साहू के रांची आवास से 3 और बैग निकले हैं, पैसों से भरे बैग को लेकर अधिकारी निकले हैं। अभी भी धीरज साहू के रांची आवास पर अधिकारी मौजूद हैं, छापेमारी की कार्रवाई चल रही है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, धीरज साहू के रांची आवास से 3 और बैग बरामद हुए हैं। 3 बैग लेकर अधिकारी वहां से निकले हैं। बताया जा रहा है कि यह पैसा बैंक में रखा जाएगा। धीरज साहू कैश कांड पर ये सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। चौथे दिन ताबड़तोड़ नोटों की गिनती की जा रही है। अभी कई अलमीरा को खुलना बाकी है, लेकिन 3 बैग्स को लेकर वहां पर जांच अधिकारी लेकर निकल गए हैं और अब आगे के नोटों की गिनती जो है वो शुरू हो चुकी है। धीरज साहू के रांची आवास वाले बैग से ये बैग लेकर अधिकारी जो है वो निकले हैं। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। अभी भी अधिकारी मौजूद हैं, कैशों की गिनती लगातार की जा रही है, नोटों की गिनती लगातार जारी है, और ये नोटों की गिनती कहां थमेगी ये सवाल बड़ा है। चूंकि मामला एक सांसद से जुड़ा हुआ है, इसीलिए इस पर लगातार पॉलिटिकल सवाल भी उठाए जा रहे हैं। बीजेपी इसे लेकर कांग्रेस पर सवाल उठा रही है, सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिर कांग्रेस पार्टी चुप क्यों है। जवाब ये है कि आखिर कांग्रेस पार्टी क्या जवाब देगी जब उनके सांसद से इतना कैश बरामद हुआ। इस बीच आपको ये बताते हैं कि हो क्या रहा है, 10 बड़ी ब्रेकिंग जानिए। ब्रेकिंग न्यूज नंबर 1, धीरज साहू के ठिकानों पर चौथे दिन रेड जारी है, चौथा दिन है रेड का। अब तक 300 करोड़ से ज्यादा पैसा जो है वो बरामद हो चुका है। 300 करोड़ रुपए, जरा अंदाजा लगाइए 300 करोड़ कितने होते हैं। 300 करोड़ से आगे की काउंटिंग जारी है। तो पैसा सिर्फ इतना ही नहीं, अभी इससे और ज्यादा जो पैसा है वहां पर डंप किया गया है। 500, 200, 100, 50 इन नोटों के बंडल जो है वो लगातार बरामद किए जा रहे हैं। यही वजह है कि नोट गिनने में दिक्कत हो रही है। छापे में एक भी 2000 के नोटों की गड्डी नहीं है, ये बड़ी बात है। गिनती के लिए और मशीनें मंगवा ली गई हैं, जो मशीनें अब तक थी वो गिन नहीं पा रही पैसा, तो और मशीनें मंगवानी पड़ी। 157 बैग्स में भरकर पैसा लेकर गई है इनकम टैक्स विभाग की टीम, ये बड़ी बात है। ट्रक में लोड करके नोटों के बंडलों को बैंक पहुंचाया जा रहा है। ये 8वीं ब्रेकिंग न्यूज। 9वीं ब्रेकिंग न्यूज, आईटी ने कंपनी के कई खातों को फिलहाल फ्रीज कर दिया है, वहां से पैसों का लेन देन अब नहीं किया जा सकेगा। और 10वीं बड़ी खबर, धीरज साहू मामले में ईडी की एंट्री हो सकती है, मनी लॉन्ड्रिंग से
जोड़कर इस पूरे मामले की कार्रवाई जो है वो की जा सकती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये नोटों के गिनती का सिलसिला कहां जाकर थमेगा। ये चौथा दिन है, अभी भी अनवरत नोटों की गिनती जारी है। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं भवतोष, ज्यादा जानकारी के साथ। भवतोष, क्या लेटेस्ट अपडेट अभी तक की कार्रवाई को लेकर, क्योंकि कहा जा रहा है कि अब इस मामले में ईडी की भी एंट्री हो सकती है। देखिए, जो पूरी जानकारी आयकर विभाग की है उसको वो लोग साझा करेंगे इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के साथ। जहां तक इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात करें तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट पूरे मामले को, जो अवैध शराब का मामला है, उसकी जांच कर रही है झारखंड और छत्तीसगढ़ में। और ये जांच जो है वो काफी पिछले 2 साल से कर रही है। छत्तीसगढ़ में जो शराब, अवैध शराब का मामला है, उसको वो पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में भी जा चुका है। और जहां तक झारखंड का मामला है, उसमें भी एक मनी लॉन्ड्रिंग का केस इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने रजिस्टर किया है। धीरेज साहू का जो पूरा शराब का व्यापार है वो काफी ज्यादा पूर्वी प्रदेशों में एस्टैब्लिश्ड है। और ये जो पैसा जो रिकवर हुआ, करीब 200 करोड़ से ऊपर, आधिकारिक रूप में करीब 210 करोड़ रुपए के आसपास जो रिकवर हुआ है, वो कहा जा रहा है वो शराब के व्यापार से रिकवर हुआ है। और इनकम टैक्स के सूत्र ये कह रहे हैं वो अपनी पूरी जो रिपोर्ट्स हैं, वो अपनी जांच के जो डिटेल्स हैं, वो जल्दी ही इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के साथ शेयर करेंगे। ठीक है भवतोष, लेकिन इस पूरे मामले में, चूंकि मामला एक सांसद से जुड़ा हुआ है, इस पूरे मामले में लोग बार बार ये सवाल उठा रहे हैं कि कहीं इसके कोई पॉलिटिकल लिंक्स तो नहीं, क्या उसको लेकर भी जांच की कोई सुगबुगाहट है? देखिए, ये धीरज साहू करीब 3 बार राज्यसभा के एमपी हैं, प्रेजेंटली भी एक एमपी राज्यसभा के एमपी हैं। और ये कहा जा रहा है कि ये जो पैसा रिकवर हुआ है, ये जो जिस ढंग से होर्डिंग इसके पैसे की हुई है वो कम्प्लीटली इलीगल है। ऐसे पैसा कोई नहीं रख सकता अपने साथ। और ये पैसा क्यों रखा गया था, क्या ये पैसा पॉलिटिकल माइलेज, पॉलिटिकल एंटिटीज को यूज करने के लिए रखा गया था, इसका एंड यूज क्या है? इसीलिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इस पैसे को अभी तक काउंट किया कर रही है। और ये हो सकता है कि इनकम टैक्स वालों ने कई डॉक्यूमेंट्स भी रिकवर किए हैं, शायद इसमें कई लोगों को समन करके उनके स्टेटमेंट भी लिया जाए। लेकिन ये इंपॉर्टेंट चीज है कि इसका एंड यूज इस पैसे का क्या था और क्यों रखा जा रहा था। ठीक है भवतोष, आप हमारे साथ बने रहिए, कार्रवाई को लेकर आपसे बातचीत होती रहेगी। लेकिन सवाल सबसे बड़ा वही है जो भवतोष आप कह रहे हैं, जांच की जा रही है, लेकिन ये नोट गिनने का सिलसिला कब जाकर थमेगा, क्योंकि आज चौथा दिन है और अभी भी कहा जा रहा है कि कई ऐसी अलमीराज हैं जो खुल नहीं पाई है। इस बीच एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, जब्त किए हुए नोटों में सिर्फ 500 और 200 रुपए के नोटों के बंडल मिले हैं, जिससे कई सवाल खड़े हो रहे हैं। अब इसे समझने की कोशिश करते हैं कि अगर कुछ लिमिटेड अमाउंट वाले नोट मिले हैं तो फिर उसके पीछे सवाल क्या है। देखिए, 300 करोड़ में एक भी 2000 का नोट नहीं, यानी कि छापेमारी में एक भी गुलाबी नोट नहीं मिला। 2000 के नोट बदलने की अवधि 8 अक्टूबर 2023 थी। आपको याद होगा सरकार ने बोला कि इसे बैंक में जमा करा दीजिए, नोट नहीं चलेंगे। रेड में 2000 का नोट नहीं होने पर कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या 2000 के नोट 500 और 200 के बदले वहां पर रखे गए? क्या वो जो 2000 के नोट थे वो पहले थे और क्या उसे अब चेंज कर दिया गया? ये बड़ा सवाल है। सवाल ये है कि क्या किसी बैंक अधिकारी ने इसमें धीरज साहू की मदद की है? क्योंकि अगर इतने बड़े अमाउंट में पैसा जमा होता है तो उसका पूरा डायरेक्टरी जो है वो मेंटेन की जाती है, तो क्या वहां पर बैंक अधिकारी की मदद से सब कुछ किया गया? क्या धीरज साहू की कमाई छोटे नोट में होती थी? सवाल ये भी है, शराब कारोबार से इनका नाम जुड़ता है और शराब कारोबार में क्या सिर्फ छोटे नोट ही इन्हें मिल रहे थे क्या? ये तमाम बड़े सवाल है जिस पर जांच की जाएगी। गौरव हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। गौरव, ये जो एक थ्योरी निकलकर सामने आ रही है कि जितने भी नोट मिले उसमें 2000 के नोट नहीं थे, तो इसका मतलब ये कि पहले हो सकता है कि नोट हो और उसे चेंज करवा लिया गया हो, जैसा कि सरकार ने ये चेंज करने की अवधि जो थी वो तय की थी। क्या हो सकता है इस मामले में, जो अभी तक चीज निकलकर सामने आ रही है वो क्या इंडिकेट कर रही है? देखिए, जिस तरीके से इस पूरी छापेमारी में लगातार कैश और ज्वेलरी की बरामदगी हो रही है, 200 और 500 के नोट ही निकलकर सामने आ रहे हैं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि इसमें स्थानीय जो बैंक होते हैं, क्योंकि धीरज साहू और उनके जो एसोसिएट्स हैं उनका कारोबार 3 राज्यों, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और झारखंड में फैला हुआ है। झारखंड से वो बिलोंग करते हैं, लेकिन उनका जो 40 सालों से देशी शराब का कारोबार है वो उड़ीसा में चल रहा है। और ऐसे में कहीं ना कहीं एक इंटर स्टेट बॉर्डर ये पूरा सिंडिकेट चल रहा है, जो कि
न सिर्फ पैसों को बदलने का काम कर रहा है बल्कि टैक्स इवेजन यानी कि टैक्स चोरी का काम कर रहा है। और सबसे बड़ी चीज जो यहाँ पर निकल कर समझ में आ रही है कि अब चूंकि इस मामले में कैश है और इतना बड़ा अमाउंट अनुराग आप जानते हैं कि वो हवाला के जरिए ही एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कर सकता है, आप इसे फिजिकल लेकर नहीं जा सकते। ऐसे में कहीं ना कहीं हवाला ट्रांजेक्शन का शक होने की वजह से जो प्रेडिकेट ऑफेंस जिन्हें कहा जाता है कानूनी भाषा में पीएमएलए एक्ट में, ऐसे में अब प्रवर्तन निदेशालय भी जो है वो इन मामलों में जांच कर सकती है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। भवतोष जिस बात का जिक्र कर रहे थे कि इसका एंड यूजर कौन है, क्या इन पैसों का इस्तेमाल हवाला के लिए होता है, आतंक के लिए होता है, चुनाव को प्रभावित करने के लिए होता है, भ्रष्टाचार के लिए होता है, ये सारे ही अपराध जो है अब इनके साथ जुड़ जाएंगे। और चूंकि हवाला के कानून पीएमएलए एक्ट जो है इस मामले में बहुत कठोर है और अगर इसमें ईडी जांच करती है तो जाहिर तौर पर धीरज साहू की सारी संपत्तियां, सारे बैंक अकाउंट सब कुछ फ्रीज करके जो है इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय जांच करेगा। फिलहाल नोटों की गिनती जारी है लेकिन 2000 के नोट क्यों नहीं है, ये एक बड़ा सवाल जाहिर तौर पर है और इसमें किस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि अपने स्थानीय प्रभाव और सांसद होने का इस्तेमाल करते हुए शराब कारोबारी धीरज साहू ने इन 2000 के नोटों को समय रहते बड़ी मात्रा में बदलवा लिया होगा। और अभी भी हम देख रहे हैं कि जो बात कर रहे हैं इस खबर को जब अपने दर्शकों को बताते हैं तो वो ये सुनते हैं 300 करोड़ रुपए। तो ये 300 करोड़ रुपए जो अब तक गिने जा चुके हैं, सवाल इस बात को लेकर है कि अब तक तो यह आकलन भी नहीं किया जा सकता कि कितने करोड़ के पैसे जो है वो और डंप किए गए हैं और कब तक ये जांच चलती रहेगी, क्या इसको लेकर किसी तरह की कोई जानकारी, मैं इस पर बात करूं। एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता देते हैं, कैश कांड के सवालों से भागते दिख रहे हैं धीरज साहू। टाइम्स नाम नवभारत के सवालों पर धीरज साहू ने एकदम चुप्पी साध ली। 300 करोड़ कैश के सवालों से कांग्रेस सांसद धीरज साहू बचते हुए दिखाई दिए। नवभारत लगातार सवाल पूछता रहा लेकिन धीरज साहू ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। धीरज साहू सांसद हैं कांग्रेस पार्टी, तीसरा टर्म राज्यसभा सांसदी का, लेकिन जांच हो रही है तो जांच में तस्वीर कुछ और बनती हुई दिख रही है। इतना पैसा जिसे गिनने के लिए अभी 4 दिन लग गए, अभी कितने दिन तक काउंटिंग होगी किसी को नहीं पता। लेकिन धीरज साहू से जब इन मामले पर सवाल पूछा गया तो धीरज साहू एकदम चुप हो गए, खामोश हो गए। जरा वो पूरा सीक्वेंस देखिए कि क्या हुआ। चाहेंगे सर, 300 करोड़ सर, 300 करोड़ की राशि इकट्ठी हुई है सर, 300 करोड़। पीएम ने भी ट्वीट करते हुए बोला है सर कि जनता का लूट के ये पैसा इकट्ठा किया गया, कुछ कहना चाहेंगे सर? सर आईटी रेट्स पे कुछ कहना चाहेंगे सर? आईटी रेट्स पे क्या कहना चाहेंगे सर? सर 300 करोड़ सर, 300 करोड़ की राशि इकट्ठी हुई है सर, 300 करोड़। पीएम ने भी ट्वीट करते हुए बोला है सर कि जनता का लूट के ये पैसा इकट्ठा किया गया, कुछ कहना चाहेंगे सर? सर आईटी रेट्स पे कुछ कहना चाहेंगे? बड़ी महंगी गाड़ी से निकल रहे थे सांसद साहब, उनसे सवाल पूछे जाते रहे लगातार, लेकिन वो ऐसा लग रहा था मानो चुनाव जीत कर जा रहे हो, हाथ हिलाते हुए चले गए। बहरहाल 300 करोड़ पर सवाल पूछा जा रहा है तो कांग्रेस सांसद धीरज साहू कुछ नहीं बोल रहे। उनके ठिकानों से कैश मिला है, वो कैसे बढ़ता जा रहा है और उसे गिनने में कितनी दिक्कतें आ रही है, अब आपको ये पूरी टाइमलाइन समझाने की कोशिश करते हैं। इतना कैश मिला तो वहां पर उसे समेटना और उसे गिनना एक बड़ी चुनौती थी। दरअसल 6 दिसंबर को इनकम टैक्स विभाग ने रेड की थी, पहले दिन 50 करोड़ रुपए बरामद हुए, लगा कि हो सकता है आंकड़ा यहीं तक सिमट जाए, लेकिन दूसरे दिन 150 करोड़ रुपए बरामद हो गए। अब यह आंकड़ा 300 करोड़ के पार पहुंच चुका है। कैश गिनने वाली कई मशीनें तो फेल हो चुकी हैं, जिसका काम ही कैश गिनना है वो कैश ही नहीं गिन पा रही है। कैश को रखने के लिए बैग तक कम पड़ गए, ओडिशा से कैश के लिए बैग मंगवाने पड़े, बैग कम पड़ गए तो फिर बोरों में कैश रखा गया, कैश को वैन से फिर बैंक तक पहुंचाया जा रहा है। लेकिन अभी भी मैं आपको एक बार फिर बता दूं, 4th दिन कैश की गिनती हो रही है और ये गिनती कहां जाकर थमेगी, ये सवाल बड़ा है। मैं इसी सवाल के साथ आपके पास आता हूं गौरव, कितना कैश होगा वहां पर, क्या अभी इसका कोई आंकलन कोई प्रेडिक्शन किया जा सकता है? कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि कुल 20 अलमीरा थे जिसमें से सिर्फ 5 ही खोले जा सकते हैं, तो अगले 15 खुलेंगे तो पता नहीं क्या होगा। देखिए अनुराग, सिर्फ अलमीरा खोले जाने की बात नहीं है, अलमीरा तो बाकी है, साथ ही साथ बौद्ध डिस्टिलरी, इसके अलावा बलदेव साहू एंड कंपनी, इसके अलावा जितनी भी इनकी एसोसिएट कंपनी है, इन सभी के घरों की तलाशी, इन कंपनियों के ऑफिस की तलाशी, इन कंपनियों में काम करने वाले मैनेजर, अकाउंट को संभालने वाले लोग, सभी के यहाँ छापेमारी होगी, क्योंकि इस तरह का जो
धन है जिस जो कि टैक्स चोरी कर बचाया जाता है, जिस पे सरकार को टैक्स अदा नहीं किया जाता है, उनको कहीं पर भी स्टैश यानी कि छुपाकर रखा जा सकता है। और ऐसे में जो इनकम टैक्स की रडार पर न सिर्फ इन कंपनियों के जो ऑफिसेज हैं और इनकी जो डिस्टिलरीज हैं या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, बल्कि साथ ही साथ उन अधिकारियों और उनके साथ काम करने वालों के लोगों के आवास और तमाम ठिकाने हैं जहां पर इन पैसों को छुपाया जा सकता है। ये रेड और लंबी जुड़ेगी क्योंकि ये जो बलदेव साहू एंड कंपनी, इनके साथ तमाम कंपनियां एसोसिएट्स हैं, पूरा फैमिली बिजनेस है, 40 सालों से चल रहा है और पुराना कारोबार है इनका। लेकिन सबसे बड़ा आरोप टैक्स इवेजन यानी कि टैक्स चोरी का है। और दूसरा सबसे बड़ी चीज देखिए आज के समय में होती है कि इन टैक्स चोरी के पैसों का दुरुपयोग क्या किया जा रहा है, क्योंकि आप इतने पैसों से सिर्फ लग्जरी लाइफ नहीं जीते, आप इनका दुरुपयोग करते हैं राजनीतिक तौर पर, अपराध बढ़ाने के लिए किया जा सकता है, किन्हीं भी क्षेत्रों में किया जा सकता। और ऐसे में जब ये जांच आगे बढ़ेगी तो प्रवर्तन निदेशालय जब इस मामले में जांच करेगा तो ये जांच और लंबी जाएगी और जाहिर तौर पर हमें इंतजार करना होगा। लेकिन उसके बाद जांच का जब सिलसिला शुरू होगा तो हर सवाल का जवाब हो सकता है कि सामने आए। गौरव बने रहिए हमारे साथ। एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दे, धीरज साहू कैश कांड पर ये एक और बड़ा पेच, बीडीपीएल के परिसर में 500 रुपए के फटे हुए नोट मिले। अंदर रेड चल रही थी, बाहर फटे हुए नोट मिले। ओडिशा में रेड के दौरान ये फटे हुए नोट बरामद हुए हैं। अब अंदाजा लगाइए कि कितना पैसा है ये, कुछ तो पैसे हो सकता है कि फाड़ कर फेंकती हो। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने। अंदर रेड चल रही थी और बाहर इस तरह से फटे हुए नोट बरामद हुए। हो सकता है कि इन पैसों को बचाने के लिए या इसे फेंक देने के लिए यहीं पर रख दिया गया हो, लेकिन आखिरकार इसे बरामद कर लिया गया। ये तस्वीर आपके सामने टीवी स्क्रीन पर देखिए, कटे फटे नोट, हालांकि अब ये यूजेबल नहीं है, लेकिन आप अंदाजा लगा सकते हैं पैसा कितना है, फाड़ के फेंक दिया जा रहा है। ये तस्वीर आपके सामने टीवी स्क्रीन पर, बीडीसीएल के परिसर में अंदर रेड चल रही थी और 500 के बाहर फटे हुए नोट इस तरह से पड़े हुए थे, इसे बरामद कर लिया गया। फिलहाल इसको लेकर भी जांच की जाएगी। सवाल वही है घूम फिर कर कि आखिर कितना कैश है, कितना कैश और कितने वक्त तक ये काउंटिंग करनी पड़ेगी। तो इस कैश कांड को लेकर एक एक तस्वीर टाइम्स नाम नवभारत आपको आगे भी बताएगा हर एक अपडेट के साथ।